हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में इंट्रोडक्शन जो थी पूरी हमने आपको प्रोवाइड करवा दी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले आप वो देखिए, उसके बाद ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा फिर बेनिफिशियल रहेगा। ये लेक्चर मैं आपको बता दूँ, प्रीलिम्स प्लस मेन्स प्लस इंटरव्यू में काम आएगा। और इसके अलावा ये जो लेक्चर है ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप इसको प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ो। और ये लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो क्वेश्चंस का वीडियो भी जरूर देखा करो। उसके बाद जब आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी। जब एंशिएंट कंप्लीट हो जाएगी तो एंशिएंट के आपको टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। फिर आप खुद को सेल्फ चेक कीजिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि मुझे कितनी हिस्ट्री याद है, क्या क्या मुझ में कमियां है। फिर लेक्चर्स को फिर से देखिए। और जब मेंस का आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, मेंस के आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो मेंस के लिए आपको अच्छे से बताया जाएगा कि इस लेक्चर को आप पहले देखिए। फिर एक और लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा जो डेडिकेटली सिर्फ मेंस के लिए होगा, मेंस को डेडिकेटेड होगा कि हाँ अब इसमें से सिर्फ आपको मेंस का ही पढ़ना है। और फिर किस तरह से आपको आंसर लिखने हैं वो आपको सारी चीजें फिर हम अच्छे से आपको करवा देंगे। चलिए अभी इसको शुरू करते हैं, लेक्चर को देखते हैं हमने क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है, कौन कौन से फैक्ट्स हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, जिसको कि सिंधु सभ्यता बोलते हैं, लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो गया था। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह है टिग्रिस और यूफ्रेटिस के तट पर स्थित मेसोपोटामिया। अब एक नाम याद रखना, मेसोपोटामिया, पहला नाम याद आ गया। अब याद करने वाला काम है, समझने वाला काम पिछली वीडियो में हो गया था, अब याद करने वाला काम है। मेसोपोटामिया किस नदी के किनारे थी? तो ये टिग्रिस और यूफ्रेटिस के तट पर थी मेसोपोटामिया। एक प्राचीनतम सभ्यता हो गई। दूसरी है नील नदी के तट पर स्थित मिस्र की सभ्यता। ये कौन सी नदी होगी? नील नदी के तट पर दूसरी मिस्र की सभ्यता किस नदी के तट पर थी? नील नदी। तीसरी है वहांग हो के तट पर स्थित चीनी सभ्यता, इसका दूसरा नाम है पीली नदी। पीली नदी कहाँ पर बहती है? तो ये भी चीन में बहती है, याद रखना। तो ये कुछ तीन सभ्यताएं हैं, पहली मेसोपोटामिया, दूसरी है मिस्र, तीसरी है चीनी सभ्यता, और चौथी जो इंपॉर्टेंट है भारत से हड़प्पा सभ्यता। तो हमारा जो पूरा लेक्चर है वो हड़प्पा सभ्यता के आसपास रहेगा और इसमें से आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट करवाए जाएंगे। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता, और इसमें से एक और क्वेश्चन बनता है, एक तो ये जो कौन सी नदी के किनारे पे किस कुछ कौन सी सभ्यता है, दूसरा मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है कि मेसोपोटामिया, टिग्रिस, नील, मिस्र, वहांग वो, चीनी सभ्यता। तो मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाते हैं, जब आपको क्वेश्चन वाला वीडियो दिया जाएगा उसमें आपको आसानी से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से है। तो एक बार ये सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर पूरा हो जाए उसके बाद आपका क्वेश्चन का वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। आप अपने क्वेश्चन सेक्शन में जाके चेक कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन के सेट मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पहली नगरीय क्रांति की व्यवस्था किसमें थी? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता में, क्योंकि सबसे पहले नगर का जो हमें वर्णन मिलता है, नगर के बारे में जानकारी हमें सिर्फ और सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त होती है। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल, हमने लास्ट वीडियो में याद किया था, लास्ट लेक्चर में, जॉन मार्शल के निर्देशन में सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि जो पहला स्थान था, पहला स्थल, वो कौन सा खोजा गया? हड़प्पा को खोजा गया था। किसकी देखरेख में? अध्यक्ष जॉन मार्शल की देखरेख में। और उसकी खुदाई किसने करवाई थी? दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई करवाई थी। कब करवाई थी? 1921 में। तो ये तीन क्वेश्चन बनते हैं, एक हड़प्पा हड़प्पा की खोज यहाँ पर जो है किसने की थी, तो किसके अध्यक्षता में की गई थी? जॉन मार्शल की। और हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई थी? दयाराम साहनी ने। कई बार ये डी आर साहनी लिखा होता है कई जगह पर, डी आर साहनी, दयाराम साहनी नाम याद रखना। और कब की गई थी? तो 1921 में। नेक्स्ट, जिसमें एक वृहद नगरीय ढांचे का अवशेष प्राप्त हुआ। तो आपको दिखाया गया था किस तरह से कितना बड़ा ढांचा था नगर का। और इस सभ्यता के साधारणतया तीन नामों का प्रयोग होता है इस सभ्यता के लिए, सिंधु सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता, और तीसरा है हड़प्पा सभ्यता। तो ये तीन नाम है याद रखना, सिंधु सिंधु घाटी की, और मैंने एक और लास्ट बताया था मेलुहा, याद रखना। यह इसकी विशेषता में ये हमने पढ़ा था, यह औध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत एक
कांस्ययुगीन सभ्यता है। तो औध ऐतिहासिक, अब तक तो आपको याद हो चुका होगा कि औध ऐतिहासिक काल का क्या मतलब है, कि जिनके हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन हम उनको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि जो इनके साक्ष्य हैं वो कुछ पिक्टोरिकल ग्राफ में है, तो वो पिक्चर्स हमें समझ में नहीं आ रही कि इन पिक्चर्स का क्या मतलब है। और ये कुछ नियर अबाउट 200 से 400 फोटोज हैं, 400 पिक्चर्स हैं, जिनसे ये पूरी इनकी लिपि बनी हुई है। तो इनको कौन सी लिपि बोलते हैं, पिक्टोग्राफ लिपि या फिर चित्रकारी लिपि बोलते हैं इसको। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, अगर किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में किस तरह की लिपि का प्रयोग होता है, तो चित्रकालीन लिपि या फिर पिक्टोग्राफिक लिपि। और इसको कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय कांस्य का प्रयोग किया गया था। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य, सर्वमान्य मतलब जो सब लोग फॉलो करते हैं, सर्वमान्य काल 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व है। तो आपको याद रखना है 2350 से लेके 1750 तक ये किसका काल है, तो ये हड़प्पा सभ्यता का काल है। इस समय हड़प्पा सभ्यता भारत के अंदर एक्टिव थी। 1922 और 23 ईस्वी में राखल दास बनर्जी, यहाँ पर अब आर डी बनर्जी की बात की जा रही है, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो स्थल की खुदाई के दौरान हड़प्पा से मिलते जुलते अवशेष तथा अधिसंरचना को देखा गया। तो मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ होता है, मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला या फिर लाशों का टीला। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, मोहनजोदाड़ो से क्या तात्पर्य है, तो लाशों का टीला या फिर मृतकों का टीला, मोहनजोदाड़ो। और हड़प्पा से मिलते जुलते अवशेष कहाँ पे मिले थे, तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको जो मैं क्वेश्चन पूछे गए हैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट याद होने चाहिए, ये क्वेश्चन दोबारा भी आएंगे, तो इनसे इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आपको पहले समझाया जाता है, फिर उसके एमसीक्यूज किस तरह से पूछे जाएंगे और क्या क्या टॉपिक्स है वो आपको अच्छे से लिख कर बता दिया जाते हैं, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी करवा दिए जाएंगे ताकि आपको टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो 22-23 में मोहनजोदाड़ो की खुदाई करवाई किसने, राखल दास बनर्जी ने। इसके उपरांत पश्चिमोत्तर भाग के वृद्ध क्षेत्र में विभिन्न स्थलों की खुदाई से विकसित सिंधु सभ्यता का पता चला। ये हमने मैप में देख लिया था कि कौन कौन से यहाँ पर जगह है, लेकिन आगे हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। मैप वाली चीजें शायद आपको याद नहीं रही होंगी, याद कर लें तो बहुत बेहतर है, लेकिन अभी हम आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे आगे। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला पाया गया है। तो मैंने आपको बताया था अराउंड 13 लाख वर्ग किलोमीटर, जो ये 12,99,000 अगर दिया हो तो ऑप्शन में ये टिक करना। यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा से लेकर, तो उत्तर में कौन सी जगह है, उत्तर में कश्मीर के अंदर मांडा जगह है, नाम याद रखना मांडा। मैंने बताया था आपको कहाँ पर है, कश्मीर में, और किस जगह है, उत्तर, आपने देखा होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो कश्मीर में मांडा से लेके दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, तो यहाँ पर दैमाबाद है, तथा पश्चिम में बलूचिस्तान, तो इस साइड बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर जगह का नाम है, से लेके पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक। तो आपको फोटो में जो मैंने मैप में बहुत अच्छे से बताया था चारों जगहों के बारे में, मांडा, दैमाबाद, बलूचिस्तान, सॉरी सुतका गेंडोर और आलमगीरपुर, ये चार जगह हैं। ये चार जगह किस किस स्टेट में या फिर किस किस जगह पे हैं, तो आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, सुतका गेंदौर ये बलूचिस्तान में है जो कि पाकिस्तान में हो गया, दैमाबाद महाराष्ट्र के अंदर है, मांडा कश्मीर में है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन कौन सी नदी के किनारे है। तो नदियों के नाम जरूर याद रखिए, आपको अच्छे से बताया था, कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो मांडा चिनाब नदी के किनारे पर है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पर है, बलूचिस्तान के अंदर जो सुतका गेंदौर है वो ताश नदी के किनारे पर है, और ये जो दैमाबाद है ये गोदावरी की सहायक नदी के किनारे पर स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता इतना विस्तृत फैला हुआ है, तो आप समझ सकते हो कितना है विस्तार हुआ हड़प्पा सभ्यता का। उसके बाद ये हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हैं, उनके उत्खननकर्ता जिन्होंने उसको उत्खनन करवाया था, उनकी खुदाई करवाई थी, किस वर्ष में की गई थी, किस नदी के किनारे उनकी स्थिति है, किस स्टेट में है वो भी, और वहां से क्या क्या चीजें मिली हैं जहाँ से हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं इस मैप के, इस चार्ट के दौर थ्रू। लेकिन उससे पहले आपको कुछ और चीजें वो मैंने आपको बताया था, जो इसके अवशेष, जो ये सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष भारत,
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैले हुए हैं। मैंने आपको बताया था अराउंड 1500 साइट्स हैं जो अभी तक इसकी मिल चुकी हैं, उसमें से भारत में लगभग 900 के आसपास हैं, पाकिस्तान में 400 से 500 पाकिस्तान में हैं, और अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो हैं। तो याद रखना अफगानिस्तान के अंदर कितनी साइट्स हैं, दो, ये कंफर्म है, और ये बाकी लगभग लगभग हैं। तो ध्यान रखना भारत के अंदर किस किस राज्य में ये फैले हुए हैं, तो भारत के अंदर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में हड़प्पा सभ्यता स्थलों का पता चलता है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर जरूर याद रखना, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में मांडा जो है, मांडा जगह, वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, तो ये भी जरूर याद रखना। जम्मू कश्मीर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ पर फैली हुई है, तो ये सारी जगह आपको याद होनी चाहिए, इन सारी जगहों के बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं इस टेबल की तरफ। इस टेबल में सारी चीजें बहुत अच्छे से दे रखी हैं और आपको ये टेबल याद करना है पूरा का पूरा। देखते हैं इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। पहला स्थल है हड़प्पा, जिसके नाम पर हड़प्पा सभ्यता का नाम रखा गया। दूसरा स्थल है मोहनजोदाड़ो, तीसरा है चहनुदाड़ो, चौथा है कालीबंगा, पांचवा है कोटदीजी, छठा है रंगपुर, अभी मैं आपको याद भी करवाऊंगा, सातवां है रोपड़, आठवां है लोथल और नौवां है बनावली। तो ये नौ आपको याद करने, एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी याद नहीं करना है। तो ध्यान रखना ये नौ जगह को नाम आपको याद रखना है। तो सबसे पहले तीन याद करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट तीन, फिर लास्ट तीन। तो सबसे पहले है प्रमुख स्थल हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई थी? दयाराम साहनी ने, जिसको कि डी आर साहनी भी लिखते हैं कहीं कहीं, दयाराम साहनी हड़प्पा से रिलेटेड है। हड़प्पा की खुदाई करवाई थी दयाराम साहनी ने, कब करवाई थी? 1921 के अंदर। और इसकी स्थिति कहाँ है, किस नदी के किनारे पर है? तो हड़प्पा जो है रावी के बाएं किनारे पर स्थित है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए रावी नदी, ये जब रावी नदी याद रहने लग जाएगा तो याद रखना कि बाएं किनारे पर है, दाएं किनारे पर। तो हड़प्पा डी आर साहनी द्वारा उत्खनन करवाई गई वर्ष 1921 रावी नदी के किनारे पर। और अब ये कहाँ पर अवेलेबल है? तो अब ये मोंटगोमरी जो है ये पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, मोंटगोमरी जिला है और ये पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, वहां पर ये स्थित है अभी। वहां से हमें प्राप्त साक्ष्य है, जो इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं जिसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक श्रृंगी पशु मोहरों पर, एक श्रृंगी पशु, मैंने आपको मोहर दिखाई थी लास्ट लेक्चर में कि वहां पर एक श्रृंगी पशु बना हुआ था मोहर पे, तो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक श्रृंगी पशु की मोहर किस स्थल से प्राप्त हुई, तो यह हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई, जिसका उत्खनन दयाराम साहनी ने करवाया था। किस वर्ष करवाया था? 1921 के अंदर। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के तट पर है। और स्थिति क्या है? मोंटगोमरी। दूसरा, कांसे की इक्का घड़ी हमें यहीं से प्राप्त हुई थी, अन्नागार, और जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कब्रिस्तान R37 और H, ये दो कब्रिस्तान इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है R37 और H, ये क्या चीज है? तो ये कब्रिस्तान है जो हड़प्पा के अंदर मिले थे। जब हड़प्पा की खुदाई करवाई गई थी, वहां से कब्रिस्तान R37 और H, ये दो कब्रिस्तान के नाम है, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये हमें हड़प्पा से प्राप्त हुए थे। हड़प्पा से हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें मिली जो क्वेश्चन में आती हैं? एक है एक श्रृंगी पशु की मोहर, दूसरा कब्रिस्तान, ये दो चीजें महत्वपूर्ण है। बाकी दो, जब ये दो याद हो जाए तो फिर बाकी दो याद करना, अदरवाइज पहले ये दो इंपॉर्टेंट है, पहले ये दो आप याद रखिए। दूसरा है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा के बाद दूसरा नाम आता है मोहनजोदाड़ो का। इसकी खुदाई किसने करवाई थी? राखल दास बनर्जी ने, जिसका नाम है RD बनर्जी, वो DR और ये राखल दास बनर्जी। कब करवाई गई थी? उससे अगले साल 1922 में, डेट याद रखना। ये किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। और अब इसकी स्थिति क्या है? ये भी लरकाना पाकिस्तान में स्थित है। तो ये नहीं पूछे जाते जो पाकिस्तान में है, वो जनरली इनसे क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोहनजोदाड़ो से क्या क्या चीजें मिली थी? तीन मुख वाले देवता की एक मूर्ति मिली, तीन मुख वाले देवता की मूर्ति, जिसका नाम है पशुपति। तो पशुपति की मूर्ति हमें कहाँ से मिली थी? तो पशुपति की जो है मूर्ति, ये हमें मोहनजोदाड़ो से मिली थी। तो ये मूर्ति नहीं है, ये एक इस तरह से एक सील के ऊपर, एक मोहर के ऊपर पशुपति तीन मुख वाले देवता की आकृति छपी हुई थी। तो वहां से हमें कोई मूर्ति नहीं मिली है, ये ध्यान रखना भी, ये तीन मुख वाले देवता की, लेकिन वहां पर आकृति जरूर मिली थी। नृत्यकी की कांस्य मूर्ति मैंने आपको दिखाया था, पूरी नग्न मूर्ति थी वो। नृत्यकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? वो हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी।
विशाल अन्नागार, वहां पर बहुत बड़ा आग का अन्नागार था, और विशाल स्नानागार। अब आपके माइंड में शायद क्वेश्चन आए या अभी ना आए, क्योंकि अभी आप समझने की स्टेज में है। तो वहां पर स्नानागार था और अन्नागार था, ये दोनों है, लेकिन हमें वहां पर मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो स्नानागार आपने देखा होगा, कोई भी अगर आप धर्म का काम करें, धर्म कर्म का काम करें, तो नहाना या फिर जिसको आप बोलते हैं स्नान करना जरूरी है। अगर आप मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, तो आपको क्या कहते हैं कि नहाकर जाना चाहिए। बहुत बड़ा स्नानागार था, मतलब वो लोग अपनी साफ सफाई पे ध्यान देते थे, या फिर यहाँ पर जो अन्नागार है, यहाँ पर कुछ पूजा पाठ हवन वगैरह करते होंगे, तो नहाकर इस अन्नागार के चारों तरफ बैठते होंगे। तो इसलिए ये भी सिर्फ और सिर्फ पता लगाया जा रहा है कि ये अनुमान लगाए जा रहे हैं, लिखित साक्ष्य कुछ भी प्राप्त नहीं है। जो प्राप्त है वो हम उनको पढ़ नहीं पाए, उनको अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है। तो ये दोनों चीजें आप समझ सकते हैं, आप इनका जो है रिलेशन बना पा रहे होंगे कि हाँ, ये स्नानागार था लेकिन वहां पर अन्नागार भी था लेकिन मंदिर नहीं थे। दूसरे हैं सूती वस्त्र। सूती वस्त्र भी हमें मोहनजोदड़ो से मिले थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पहली पशुपति, तीन मुख वाले देवता, नृत्य की कांस्य मूर्ति, विशाल स्नानागार और सूती वस्त्र। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो से। तीसरा नाम आता है चेनुदाड़ो का। इसकी खुदाई किसने करवाई, एन जी मजूमदार ने। तो चेनुदाड़ो की खुदाई एन जी मजूमदार ने करवाई थी। कब करवाई थी, 1931 के अंदर, तो हड़प्पा के सिर्फ और सिर्फ 10 साल बाद। सिंपल सा याद रखना, क्योंकि वैसे आपको ये काफी याद करने पड़ेंगे, तो इनको एक रिलेशन से याद रखना कि 1921 के बाद 1931, ये तो अगले साल ही मिल गया मोहनजोदड़ो। अब चन्नूदड़ो 1931 में मिला था। किसने खुदाई करवाई थी, एन जी मजूमदार ने। किस नदी के किनारे है, ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब इसकी स्थिति क्या है, सिंध पाकिस्तान के अंदर है। यहां से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, मनके बनाने के कारखाने, वहां पर जो मनके बनाए जा रहे थे, लिपस्टिक का साक्ष्य है। तो आप देख सकते हो ये कितनी डेवलप्ड सभ्यता थी कि उस समय लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी की बैलगाड़ी का साक्ष्य है। अब आपके माइंड में आ रहा है, सर ये मिट्टी की बैलगाड़ी का क्या मतलब है, तो मिट्टी के जो खिलौने होते थे, तो वहां पर खिलौनों ना लिख के उन्होंने क्या लिख दिया, मिट्टी की बैलगाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ। और क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछा जाता है कि मिट्टी की बैलगाड़ी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मिट्टी की बैलगाड़ी का साक्ष्य चनुदड़ो से प्राप्त हुआ। मनके बनाने के कारखाने, ये भी चनुदाड़ो से प्राप्त हुए थे। लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, ये भी चनुदाड़ो से मिले हैं। अब पहले फिर इनको तीनों को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हड़प्पा, दयाराम साहनी 1921 में रावी नदी के तट पर, मोंटगोमरी पाकिस्तान के अंदर, वहां पर क्या मिला, एक श्रृंगी पशु की मोहरें, कांसे की इक्का घड़ी, कब्रिस्तान R-37 और H। दूसरा है मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी या फिर RD बनर्जी, 1922 नेक्स्ट ईयर, सिंधु के तट पर थी और लड़काना पाकिस्तान में स्थिति है। वहां से मैं क्या प्राप्त हुआ, तीन मुख वाले देवता, नृत्य की कांस्य मूर्ति, विशाल अन्नागार और स्नानागार या फिर सूती वस्त्र। तो सूती वस्त्र एक ही जगह से मिले हैं, वो मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। तीसरा है चनुदाड़ो, एनजी मजूमदार के द्वारा, एनजी मजूमदार के द्वारा इसकी उत्खनन करवाया गया पहले से 10 साल बाद 1931 में। इस नदी के किनारे सिंधु नदी, स्थिति सिंध पाकिस्तान में, मनके बनाने के कारखाने, लिपस्टिक का साक्ष्य है या फिर मिट्टी की बैलगाड़ी। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VBI कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिट्टी की बैलगाड़ी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, चनुदाड़ो से। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा मतलब बंगा क्या होती है, चूड़ियां, और काली मतलब काले रंग की चूड़ियां, तो काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा। इसका उत्खनन करता कौन है, अमलानंद घोष। कब इसकी खुदाई करवाएगी, 1953 में, तो आजादी के 6 साल बाद। इसको इस तरह से याद रखिए, आजादी के 6 साल बाद, ये जो नेक्स्ट तीनों है 1953 1953, तो जब आजाद हुए थे उसके 6 साल बाद ये जो खुदाई करवाएगी। तीन और स्थल इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है, तो याद करने का तरीका भी साथ साथ बता रहा हूँ। कालीबंगा अमलानंद घोष के द्वारा उत्खनन करवाया गया 1953 में। नदी कौन सी है, घग्गर नदी, जिसका दूसरा नाम है सरस्वती नदी। और स्थिति क्या है, ये भारत के अंदर है, श्री गंगानगर राजस्थान में, तो कालीबंगा राजस्थान। वहां से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो जुते हुए खेत। अब आपके माइंड में शायद क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जुते हुए खेत हमें कैसे मिल सकते हैं। तो जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग, जब पुरातत्व विभाग के लोग फाइंड आउट करते हैं,
तो ऐसे नहीं है कि कस्सी लेके या फिर जेसीबी लेके खुदाई करना शुरू कर देते हैं। उनके औजार बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, ब्रश, छोटे छोटे पेंसिल टाइप के नुकीले हथियार औजार, तो धीरे धीरे खुदाई करते रहते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा एक छोटा छोटा पॉइंट देखते रहते हैं। तो उनको यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, राजस्थान से। तो अभी यहाँ पर आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें क्यों मिल गए यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है श्री गंगानगर राजस्थान में, वहां पर रेत ही रेत है और वहां पर जो है ज्यादा नमी नहीं रहती। अगर नमी होती तो ये जुते हुए खेत बिल्कुल समतल हो जाते, लेकिन रेत के नीचे कहीं ना कहीं ये खेत उसी तरह से दबे हुए मिल गए। और वहां से क्या मिला? नक्काशीदार ईंटें मिली जिनके ऊपर कलाकृति की गई थी, नक्काश नक्शे छपे हुए थे ईंटे पर, अग्निवेदिका, पक्की मिट्टी का हल। तो ये पक्की मिट्टी का हल क्या था? ये भी खिलौना था। इससे पहले हमें मिट्टी की बैलगाड़ी, सॉरी मिट्टी की बैलगाड़ी कहाँ से मिली? चन्नूदाड़ो से। और पक्की मिट्टी का हल कहाँ से मिला? कालीबंगा से। तो ये आपको नेक्स्ट भी याद करना है। नेक्स्ट जो है वो है कोटदीजी। कोटदीजी का उत्खनन करता कौन है? फजल अहमद। ये क्या है? कोटदीजी का उत्खनन करता। और ये कब, इसका कौन सा वर्ष है? 1953। नदी कौन सी है? सिंधु। तो सिंधु नदी के किनारे तीन है, मोहनजोदाड़ो, चन्नूदाड़ो और कोटदीजी। कोटदीजी कहाँ पर है? खैरपुर, पाकिस्तान में। वहां से क्या मिला? पत्थर के बाणागर, गहनों का जखीरा, पत्थर की नींव वाले घर या गर्कावास। तो इसमें से जनरली क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बन जाता है, गहनों का जखीरा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कोटदीजी से प्राप्त हुआ है। कोटदीजी प्रमुख स्थल है, उत्खनन करता फजल अहमद, ईयर 1953, नदी सिंधु और स्थिति क्या है? खैरपुर, पाकिस्तान। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर कहाँ पर है? ये गुजरात के अंदर है रंगपुर। और रंगनाथ राव, रंगपुर रंगनाथ राव, तो रंग रंग याद रख, बिल्कुल आसान है याद करना। 1953-54। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये मादर नदी है। और इसका लोकेशन क्या है? स्थिति काठियावाड़, गुजरात। तो रंगपुर गुजरात के अंदर है और कालीबंगा राजस्थान में। अब तक दो ही आए हैं जो भारत से रिलेटेड है, कालीबंगा राजस्थान, रंगपुर गुजरात। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिला है साक्ष्य? धान की भूसी, जब धान में से आप चावल निकाले थे तो भूसी बचती है, वो धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से। गेहूं की खेती के साक्ष्य है, वो भी गुजरात से। घोड़े की मृण मूर्ति कहाँ से मिली है? तो घोड़े के एक ही जगह से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मृण मूर्ति घोड़े की, काठियावाड़, गुजरात से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोड़े की मृण मूर्ति कहाँ से मिली है? गुजरात से। और कहीं पर भी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पर हाथी, हाथी के अलावा बैल, गाय, बकरी, इन सब के बारे में जिक्र है, लेकिन यहाँ पर घोड़े का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। दूसरी तरफ कच्ची ईंटों का दुर्ग कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कच्ची ईंटों का दुर्ग सिर्फ एक ही जगह से प्राप्त हुआ है, वो रंगपुर से। मतलब बाकी पूरी सभ्यता पक्की थी, पक्की ईंटों की बनी हुई थी, लेकिन कच्ची ईंटों का दुर्ग सिर्फ एक ही जगह से प्राप्त हुआ है, रंगपुर से। जब ऐसी कोई चीज सामने आ जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कच्ची ईंटों का दुर्ग कहाँ से प्राप्त हुआ है? रंगपुर से। और मैं आपकी शायद सिचुएशन समझ रहा हूँ स्टूडेंट्स की, ये जो चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ अभी तक 6 हुई हैं और बहुत सारी चीजें याद करने वाली होगी, लेकिन ये याद करना पड़ेगा आपको। याद करोगे तभी आपका जाकर एग्जाम क्लियर होगा, क्योंकि याद करना ही आपका जो होल सोल यहाँ पर आपका काम है। मैं आपको यहाँ पर अच्छे से अच्छे तरीके से याद करवा सकता हूँ, अच्छे से अच्छे चीजें समझा सकता हूँ चीजें, लेकिन फिर भी याद आपको रखनी पड़ेंगी। और ये आपको PDF मिल जाएगी पेड सेक्शन में, लेकिन सेल्फ नोट्स जरूर क्रिएट करा किया करो। सेल्फ नोट से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगी सेल्फ नोट से। जब आप प्रीलिम्स देने जाओगे या फिर जब आप मेंस देने जाओगे, तब आपको सेल्फ नोट्स जो है बहुत ज्यादा कारगर साबित होंगे। जो स्टूडेंट्स बनाते हैं उनको पता है, जिन्होंने लास्ट टाइम बनाए थे उनको पता है कितनी हेल्प हुई थी उनकी प्रीलिम्स और मेंस के अंदर सेल्फ नोट्स से। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है रोपड़। रोपड़ कहाँ पर है? रोपड़ है पंजाब में। तो अब ये तीसरी साइट है जो भारत के अंदर है, पहली कालीबंगा, दूसरी रंगपुर, तीसरी है रोपड़। एक उत्खनन करता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। टाइम पीरियड 1953 से 56। नदी सतलुज नदी, जगह रोपड़ पंजाब। तो ये लोकल एग्जाम्स में जो स्टेट के एग्जाम है वहां पर रोपड़ आ जाता है, लेकिन पंजाब ही लिखा होता है जनरली। और वहां से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए? तो वहां पर जो है मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य है, तांबे की कुल्हाड़ी और शंख की चूड़ियां। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है तांबे की कुल्हाड़ी, इम्पोर्टेंट है यहाँ पर।
और मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो रोपड़, रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में है। तो मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य रोपड़ से मिला है। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है? रोपड़ से मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो फिर ये तीन याद करिए अभी। अब चौथा, पांचवा और छठा फिर याद करिए। कालीबंगा, अमलानंद घोष 1953, कोडी जी फजल अहमद 1953, रंगपुर रंगनाथ राव 1953। ये घग्गर नदी के किनारे है, ये सिंधु और ये मादर नदी के किनारे है। श्री गंगानगर, इसकी स्थिति खैरपुर पाकिस्तान, काठियावाड़ गुजरात, और यहाँ से हमें कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य है, क्योंकि ये गंगानगर में है, मैंने आपको बता दिया है। माइंड में याद रहेगा, कहीं ना कहीं ये माइंड में स्टिक कर जाएगा कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि वो राजस्थान में है। कालीबंगा, काली चूड़ियां, नक्शादार ईंटें, ईंटों पर नक्शाकारी की गई थी, पक्की मिट्टी का हल या फिर खिलौना। नेक्स्ट जो हमें क्या मिला, पत्थर की नींव वाले घर, तो यहाँ से क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, रंगपुर में धान की भूसी, गेहूं की खेती और घोड़े के एकमात्र मृण मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? रंगपुर से। और कच्ची ईंटों का दुर्ग भी हमें सिर्फ और सिर्फ रंगपुर में प्राप्त हुआ है, याद रखना। नेक्स्ट पार्ट आ गया लोथल। लोथल कहाँ पर है? लोथल अहमदाबाद, ये भी गुजरात में है। रंगपुर और लोथल दोनों गुजरात के अंदर है, तो ये भी रंगनाथ राव और ये भी रंगनाथ राव, याद रखना। गुजरात में दो जगह है, दोनों ही रंगनाथ राव ने यहाँ पर उनकी उत्खनन करवाया था। टाइम पीरियड 1955 से 1963। नदी कौन सी है? भोगवा, अहमदाबाद गुजरात। और यहाँ पर क्या मिला हमें? बंदरगाह डॉक यार्ड। अब यहाँ पर बंदरगाह क्या मतलब है? कि वो लोग बाहरी दुनिया से, बाहरी दूसरी सभ्यताओं से व्यापार करते थे, वहां पर उनका आना जाना था। डॉक यार्ड जहाँ पर जहाजों की मरम्मत की जाती है, जहाँ पर जहाज बनाए जाते हैं, जहाज समझते हो, समुद्री जहाज, किश्तियां, ये सारी चीजें, तो वहां पर बंदरगाह थी, डॉक यार्ड थी। अब गुजरात के अंदर है तभी यहाँ पर बंदरगाह पॉसिबल है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बंदरगाह कहाँ पर थी, तो लोथल में मिली है, रंगपुर में नहीं, लोथल में। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये लोथल से। और चावल के दाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये भी लोथल से। और खिलौनों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो खिलौनों के साक्ष्य लोथल से मिले। यहाँ पर खिलौने लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पर जो है मिट्टी की बैलगाड़ी का साक्ष्य लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी जो एक जगह पर और लिखा हुआ था, यहाँ पर मिट्टी के हल का, मिट्टी का हल, वहां पर भी ये लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर खिलौने नहीं लिखा, यहाँ पर साफ साफ खिलौने हैं। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि खिलौनों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लोथल गुजरात से। नेक्स्ट है बनावाली, बहुत कंट्रोवर्शियल है, याद रखना। बनावाली, बनावाली इसका जो है उत्खनन करता कौन है? रविंदर सिंह बिष्ट। कब हुआ? 1973 में, तो 1973 याद रखेंगे, सबसे बाद में यही था। और किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। और यहाँ पर ये लिखा हुआ हिसार हरियाणा, तो ये जब से मतलब आजाद हुए हैं तब से ये हिसार हरियाणा ही लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये गलत है, अब अपडेट हो चुका है, क्योंकि हिसार से सिरसा और फतेहाबाद दो डिस्ट्रिक्ट निकल चुकी है। सिरसा और फतेहाबाद हिसार से दो डिस्ट्रिक्ट अलग की जा चुकी हैं, तो अब ये जो बना वाली है ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है, ध्यान रखना। जो हरियाणा के एग्जाम्स होंगे उसमें ये क्लियरली लिखा होगा बना वाली कहाँ पर है, सिरसा में है, हिसार में है, फतेहाबाद में या फिर जींद में है, तो बना वाली कहाँ पर है? सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। 1973, रविंद्र सिंह बिष्ट। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? मिट्टी से बने हल्का खिलौना बनावाली से प्राप्त हुआ है, जौ के साक्ष्य, स्वर्ण पट, मिट्टी के मनके, मछली पकड़ने की बंसी, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से प्राप्त हुई? बनावाली से। इसके अलावा दो और साइट्स हैं जो अभी नई फाइंड आउट की गई हैं। एक कुनाल, जगह का नाम याद रखना, कुनाल, ये कहाँ पर है? ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और दूसरी है भिड़ाना, ये सबसे जो है लेटेस्ट खोजी गई वो कौन सी है? वो है भिड़ाना, ये भी कहाँ पर है? ये भी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, फतेहाबाद से सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है ये भिड़ाना, और कुनाल ये फतेहाबाद से 30 से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। तो लेटेस्ट जो है भिड़ाना है, उससे पहले कुनाल भी ये जो साइट थी, कब की गई थी ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये दो साइट्स हैं तो हरियाणा के एग्जाम्स में ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखना। कुनाल फतेहाबाद और भिड़ाना फतेहाबाद, बनावाली सरस्वती नदी के किनारे है, रविंदर सिंह बिष्ट, और यहाँ पर इसको हिसार को काट के आप लोग क्या कर लीजिए? सिरसा कर लीजिए। और यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? मिट्टी से बना हल्का खिलौना, जौ, मिट्टी के मनके, मछली पकड़ने की बंसी। एक बार आप ये सारी चीजों को दोबारा से रिवाइज कीजिए, इस वीडियो को
तीन से चार बार देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, किस किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो आपको अच्छी से इनकी पहले समझ लेनी है, फिर इनको याद रखना है। और कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, किसी को कोई भी डाउट बच गया तो। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या क्या करवाएंगे, अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके अंदर हम नेक्स्ट पार्ट में जो इनका सामाजिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है और सांस्कृतिक जीवन है, ये सारे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। करवाने को तो इसी पार्ट में मैं करवा सकता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इसमें याद करने का काफी हो गया, तो ये याद आपको करना है ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए इनको आप पहले याद कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे चलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।